हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एलएल। हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ वैलिएंट ऑर्गेनिक शेयर के बारे में। स्टॉक पे मैंने लास्ट 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, और फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के बारे में, बताइए। तो इस स्टॉक को मैंने देखा, देखने के बाद मुझे लगा हाँ यार शेयर करने वाली चीज़ है, तो मैंने आप सभी को बताया। स्टॉक में 10% का सर्किट देखने को मिला था, इनफैक्ट 20% का आई थिंक सर्किट देखने को मिला था, जहाँ पे शेयर ने बड़ी तेजी दी और 1100 रुपये तक स्टॉक जाता हुआ दिखा आप सभी को। इस स्टॉक के बारे में आपको बता दूं, अगर आपने इस स्टॉक का नाम नहीं सुना तो वैलिएंट ऑर्गेनिक शेयर का नाम है, और स्टॉक का 52 वीक हाई 1848 रुपीज़ का है और 52 वीक लो 791 रुपीज़ का है। यानी एक साल में स्टॉक ने आपका पैसा लगभग आधा कर दिया है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। हाँ, आप ये मत सोच रही है कि डबल कर दिया है। अब 2 साल का चार्ट खोल के देखूंगा मैं तो भी स्टॉक कंटिन्यू गिरावट में है, 5 साल का चार्ट देखूंगा तो भी गिरावट में है, क्योंकि 2020 में ये शेयर आया है, तो 5 साल का चार्ट देखने कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं आपको आता हूँ, मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी उस पर मैंने आपसे अभी से क्या शेयर करा था। 3 महीने का चार्ट खोला था मैंने आप सभी के साथ, जहां मैंने आप सभी को क्या चीज बोली कि ये स्टॉक में फंसने की गलती ना कर दें, क्लियर कट बोल दिया था। देखिए, ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि यार हाँ बढ़ सकता, ना ना ना, साफ बोला ये एक ट्रैप है और ये बाउंस बैक है। सेकेंड थिंग, ये केवल और केवल आपके लिए निकलने की जगह मिल रही है, निकलने की अपॉर्चुनिटी है, निकलने की कोशिश करें इस स्टॉक से। आपको मैंने क्लियर कहा था स्टॉक हायर लो और लोअर लो का चार्ट फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा है। स्टॉक में ऊपर में अगर तेजी आनी ही है तो स्टॉक को करीब करीब 1200 या फिर 1150 के लेवल्स क्रॉस करने होंगे। और अब अगर तेजी, मतलब उसी दिन जो तेजी बनी 1100 रुपये से नीचे आ गया था, 1020 रुपीज़ के अराउंड, तो मैंने आपसे कहा कि अगर अभी भी आपके पास है और आपको लगता है तेज होगा, तो 1100 रुपये जब ये शेयर क्रॉस कर देगा तो ये भागेगा। क्यों कहा था मैंने आपसे, 6 महीने का चार्ट खोल के रख रखा है मैंने। आप भी स्क्रीन पे अपनी वीडियो के साथ साथ खोलें जो मैं कह रहा हूँ। आप एक तो आपको चार्ट रीड करना एक चीज़ तो सीखेंगे आप, हायर लो और लोअर लो चार्ट फॉर्मेशन क्या होती है। सेकंड थिंग, आपको ज्ञान मिलेगा, आप और पैसा कमाओगे मार्केट में तभी जब आपको खुद पता होगा, दूसरों की सुनके कभी किसी ने आज तक पैसा ना कमाया ना कभी कमा पाएगा, ठीक है। केवल राह दिखाई जाती है, बाकी करना खुद ही पड़ता है, आपको भी पता है। अभी देखिए, 6 महीने का चार्ट खोला है मैंने स्क्रीन पे। अब मुझे एकदम 6 महीने में क्या दिख रहा है, एक हाई था 1600 रुपये का, वहां से स्टॉक वन साइडेड गिरा और 1000 तक आया नीचे में, 980 रुपये तक, ठीक है। फिर स्टॉक में बाउंस बैक आया 1300 रुपये तक, फिर दोबारा गिरा ये शेयर और अब 800 रुपये आया, फिर हाई कहाँ लगा 1100 रुपये। तो कित इससे पहले हाई क्या था 1300, उससे पहले हाई क्या था 1600, ठीक है। अब लो देखिए, जब 1600 का आई था तो लो लगाया 1000 रुपये का, फिर जब 1200-1300 का हाई लगाया फिर लो लगाया है 800 का, और अब 1100 का हाई लगा, अब लो कितना लगेगा, लो लगेगा वो 800 जो था ना वो ब्रेक होगा। और यही मैंने आपके साथ क्लियर कट शेयर करा था कि ये स्टॉक हायर लो और लोअर लो का चार्ट फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा है, और नीचे में ये स्टॉक दोबारा घूमता हुआ दिख रहा है, 1100 से 1020 आ गया। अगर इसमें फ्रेश तेजी आनी है तो ये दोबारा 1100 के ऊपर जाएगा और फिर ऊपर निकलेगा, रिकवरी दिखेगी स्टॉक पे, बट उससे पहले मुझे रिकवरी नहीं दिख रही है। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, देखो जो बीत गई सो बात गई, पीछे जो था भाई सच हुआ गलत हुआ, मार्केट है सब होता है, अब आगे क्या वो सवाल उठता है और वो आपके साथ में शेयर करूंगा। अब 2 चीजें हैं, पहला जिस हिसाब से चार्ट बनता हुआ आया है 6 महीने का उस हिसाब से गया, तो ये स्टॉक अपना जो 52 वीक लो है इसका 791 वो ब्रेक करने वाला है और 700 रुपए का पहला टारगेट होने वाला है, पहला नहीं मतलब लास्ट फाइनल टारगेट 700 रुपए का होने वाला है। क्योंकि स्टॉक में कितना गिरावट आती, देखिए 1600 से गिरा 38%, फिर 1300 से गिरा 38% सेम टू सेम था। अब अगर 1100 का 38% निकालोगे आप तो 110, 220, 330, अब 1100 का 330 होगा कितना 790 के करीब, ठीक है। अब 790 के करीब अगर ये स्टॉक आता है तो आपने क्या करना है, आपको पता चल जाएगा अब एक बाउंस बैक आने वाला, और स्टॉक कहां आ चुका है 890, यानी यहां से 20% करेक्ट हो गया और 10% और गिरेगा, ठीक है। अब आपके लिए 2 चीजें हैं, आपके पास पोजीशन है होगी, ऑब्वियस बात है, अभी बैठे हो गए आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास पोजीशन होगी, आप लेने की सोच रहे होगे, इन दो में से एक ही चीज होगी। अगर है तो आप एक एसएल रख लीजिए 850 का,
850 का SL रखिए, क्योंकि उसके नीचे जाते ही आप क्लियर मुझे इंडिकेशन मिल जाएंगे आप सभी को कि जो इसका लो, सॉरी 791 का जो इसका लो वो ये ब्रेक करने जा रहा है और नीचे में 700 या 750 तक जा सकता है, ठीक है। सेकंड, आप अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अवॉइड कर दो, कोई भी मतलब नहीं बनता है, चार्ट डिसऑर्डर्ड है, बिल्कुल भी अपना पैसा मत स्टक फंसाइए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्वालिटी स्टॉक है, वहाँ पैसा लगाने की सोचिए। तो मेरे हिसाब से इसको इग्नोर करना चाहिए भी, और जिसके पास उसके लिए मैंने आपको राय दिया फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ये होगा, जो मेरी बात थी ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, तो आप ट्रेड तभी करें जब आपको सेटिस्फेक्शन और एग्री हो आप अपने स्टेटमेंट से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।